morning, students. Today we will study a very important topic of class 10, named polynomial. In class 9, this was also a very important topic. So you know a few about polynomial, what we learn in this topic. In this topic, we will learn following points. So I am summarizing these points. You can write down in your fair copy. First point is degree of polynomial. Degree of polynomial. Second point is zeros of polynomial. Zeros of polynomial. I will explain about this topic later. First, you should know what are the main topics in this chapter. So first topic is degree of polynomial, second is zeros of polynomial, and third topic is graphical representation of the polynomial. Graphical representation of polynomial. After this, we will study about the relation between the coefficient of polynomial. Coefficient of polynomial. Relation of coefficient of polynomial with zeros. So these are the following points we will study in this chapter, polynomial, in which the first topic is degree of polynomial. So I will tell you what is a polynomial and what is the degree of polynomial. I hope you have write down all these points in your copy. Okay, degree of polynomial. Polynomial is an algebraic expression. आप सभी को मालूम है, polynomial एक algebraic expression है, जिसमें जो power होगी variable की, वो क्या हो? एक whole number. मैं एक example आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि p of x ये representation है polynomial का. किसी भी polynomial को हम represent करते हैं p of x से. और अगर आप कोई algebraic expression ऐसा लिख रहे हैं जैसे कि 2x cube plus 3x square minus 5, तो आप अगर यहाँ पर देखें कि power means power, देखिए यहाँ पर x की power 3 भी है, x की power 2 भी है, तो ये जहाँ पर variable आएगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, a, b, c, कोई भी variable हो सकता है, तो जो power है, जहाँ पर भी variable आएगा, उन सभी की power क्या होनी चाहिए? Whole number होनी चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है? Polynomial है. अदरवाइज वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, 2x रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2. अब आप यहां पर देख सकते हो x की पावर क्या है, यहां पर माइनस 1 है, बट मैंने आपको अभी बताया था कि पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट. होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट पॉजिटिव इनफाइनाइट. तो अब आप यहां पर देखेंगे माइनस 1 तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या है? ये जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. आई होप ये सभी क्लियर होगा आपको. तो देखिए पॉलिनोमियल के बारे में आपको मालूम हो गया कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल is a whole number. Okay. Now, इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ते हैं? Degree. First point था हमारा degree of polynomial. तो degree की definition में यहाँ पर लिखा हूँ और आप सभी जो है ये degree की जो definition है वो note कर लीजिएगा. देखिए क्या है? The highest power of variable. Power of variable is called degree of that polynomial.
the highest power of variable is called the degree of that polynomial. अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक polynomial लिखा हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये polynomial. यहाँ पर जो highest power है, सबसे बड़ी power है, तो यहाँ पर देखिए x की power 2 है या x की power 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी power क्या हुई? 3. और 3 क्या हम कहलाएगा इसका? Degree of this polynomial. I hope ये आपको clear होगा. ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपको याद होगी तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन में डिग्री फाइंड कर सकते हैं. कभी कभी बोर्ड में वन मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री के लिए. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो जीरोज से आया था, तो जीरोज हम आगे पढ़ेंगे भी, आप इसको नोट कर लीजिए. देखिए डिग्री के एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं. px इज इक्वल टू, px मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि px मींस पॉलिनोमियल इन x, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो किसमें है, कौन से वेरिएबल में, x में. तो देखिए क्या होगा, मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 4 प्लस 1. देखिए ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर पावर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए भी इस तरह का पॉलिनोमियल दे देते हैं. अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री, तो डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर देखेंगे आप, हाईएस्ट पावर देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5. तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 5. आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा. अब आगे चलते हैं, देखिए इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आप बस ये ध्यान से देखते रहिए. डिग्री के बाद हम आते हैं